दो साल से इनकी क्रिकेट उठाएं, दो साल से ये सिर्फ, आप देखें कि ये दोनों सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, और अक्सर वनडे मैचेस उठा लें आप, इवन चलें वेस्ट इंडीज या आईवीए, मैं आपको क्लू दे रहा हूं, इमाम और बाबर खेल लें और इन्हें कोई टेंशन नहीं है, और ये प्लेन मिस कर रहे हैं, पर इनके जहन में अपने रन है। 25वें ओवर में रिक्वायर्ड रेट है 6.5 6.5 6.5 के बीच में, 35 से 37 ओवर के बीच में ये जब इसकी विकेट गिरी फिर इमाम की गिरी, तो आप उस वक्त चेक करें रिक्वायर्ड रेट हो गया है 8.5। ये वर्ल्ड क्लास है, नहीं ये तो बुजदिल ने बचाया है वो मैच भी, पहला वनडे मुल्तान का, इसीलिए तो ब्रेसवेल को गोद में उठा लेते हैं कि हमारा बच्चा ले लेते हैं, चाचू को इसलिए गोद में उठाते हैं, इसीलिए नीचे से नीचे के बल्लेबाज इसीलिए उठा लेते हैं कि ये तो हमेशा खंदक खोद के गया है, यानी कि दोजक में डाल के गया है टीम को यार, जबी तो खुशदिल निकल के आया, जबी टुल्ला निकल के आया, जबी वो क्या नाम है वो आपका आसिफ अली निकल कर आ रहा है, जबी इफ्तिखार निकल के आ रहा है। अबे नीचे के लोग नसीम अगर जिता रहा है तुम्हें अफगानिस्तान से तो होश के नाफुल लो, रिजवान से और बाबर आजम से पूछो ना, ऊपर के अंडे तलने गए थे, अंडे देने गए थे, तो रमीज राजा एशिया कप में रो रहे थे। मैं आप खुल के बोलता हूँ, क्रिकेट की बात है और मुझे बार बार यहाँ साबित नहीं करना कि मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा, ऐसी की तैसी भाई मैं बोलूंगा क्रिकेट पे जो मुझे ठीक लगता है, ठीक है, सब बोल रहे हैं बैठ के ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि इफ्तिखार अहमद, अब मैं रमीज राजा साहब से एक सवाल करता हूँ, इंडिया ने एशिया कप ना फाइनल खेला, विराट के 100 डेड मैच में विराट के 100 के गिर्द घुमा दिया एशिया कप पूरा कैंपेन, ठीक है, आप ठीक है, आपने क्या उखाड़ा था पता है आपको, अफगानिस्तान के अगेंस्ट बाबर आजम रिजवान ये सब लोग लेकर आप हार गए थे, आपको आखिर में नसीम शाह ने 2 छक्के मार के जितवाया, 130 रन का मैच ये वहां हार रहे थे बाबर और रिजवान एंड कंपनी, 130 रन पे जिम्बाब्वे ने कंप्रीहेंसिव हरा दिया आपको 10-12 रन से वर्ल्ड कप में, सुनते जाना अभी, नेदरलैंड से आप पूरी मेन स्ट्रीम टीम लेकर बड़ी मुश्किल से 3 मैचेस की सीरीज नेदरलैंड में जीते, शाहीन को आप अनफिट वहां फिराते रहे, उसके बाद मैं तो फिर भी कोशिश कर रहा हूं, कोहली यानी किंग कोहली, अभी भाई श्रीलंका के खिलाफ भी सेम सीन हुआ था कि विराट कोहली शायद पहले मैच में उन्होंने या पहले या दूसरे मैच में वो जल्दी आउट हो गए थे, दूसरे मैच में, दूसरे मैच में, और इसके बाद तो अगला मैच भाई क्या स्ट्राइक रेट, ये सेंचुरी नहीं 166 वो भी स्ट्राइक रेट 140 और इंडिया का सबसे बड़ा मैदान था, तो अभी तो जहां मैच होने वाला है वो काफी छोटा है उसके कंपेरिजन में, तो भाई इस बार भी विराट कोहली जल्दी आउट हो गए थे पहले मैच में, तो दूसरा मैच सब पे निगाहें सभी लोगों की विराट कोहली पे, मतलब विराट कोहली का ये वाला हिसाब है, मतलब तूफान से पहले की शांति जिसे कहते हैं ना वैसा श्रीलंका के खिलाफ देगा, एक मैच में शांत हो गए अगले मैच में तूफान आ गया 166 रन 140। मैं तो कह रहा हूँ विराट कोहली वैसे भी पहले जैसे मूड में लग रहे हैं, और एक और सेंचुरी ऑलमोस्ट फिक्स है, अगर इस वाले में नहीं आई तो अगले में आ जाएगी, क्योंकि यार वो बंदा ही ऐसा कि वो 2-3 मैच बिना सेंचुरी के रह ही नहीं सकता है, अगर तो वो फॉर्म में आ गया, और आ गया आप लोगों को तो पता ही है फॉर्म में तो आ गया, मतलब अब उसको बस इंतजार है कि मतलब कब मैं पिच पे उतरू और कब सेंचुरी लगाऊं। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि यार कुछ लोग जैसे शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, खास करके पाकिस्तानी लोग जो एक्सपर्ट्स बनते हैं अपने आप को, वो कह रहे थे कि यार विराट कोहली की क्रिकेट खत्म हो गई है, संन्यास लेने तक को कह रहे थे, बोल रहे थे बस भाई हो गया, जितना करना था विराट कोहली ने कर लिया, यार 30-40 इनिंग फ्लॉप हो गई। अच्छा रोहित शर्मा या रिजवान को कोई नहीं बोलेगा, अब यार कोहली ने स्टैंडर्ड ही ऐसा बना लिया था कि यार जब तक वो सेंचुरी नहीं मारेगा उसको मतलब संन्यास लेने तक की बातें बोल रहे थे। अच्छा अब शोएब अख्तर वगैरह पता नहीं कहाँ छुप गए कि उनकी एक भी आवाज नहीं आ रही, कोहली ने इस साल 3 सेंचुरी मार दी है, किसी ने कुछ नहीं बोला है भाई, कोहली ने 3 सेंचुरी मार के उनका मुंह बंद कर दिया, तभी तो कहीं दिख ही नहीं रहे, एकदम कहीं नहीं दिख रहे, सोशल मीडिया से ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया ही छोड़ दिया उन्होंने। पहले तो जब विराट कोहली फ्लॉप होते थे ना तो शाहिद अफरीदी एक चैनल पे बैठ जाते थे समा टीवी पे और बोलने लगते थे यार कि विराट कोहली की एज हो गई है, फिटनेस डाउन हो रहा है, जबकि ये सब तो मसला ही नहीं था भाई, वो बस बातें बतानी है बस। बात, और इसके बाद शोएब अख्तर क्या बोल रहे थे, अलग ही बोल रहे थे कि यार संन्यास ले लो भाई, तुम T20 ODI से बाहर हो जाओ, टेस्ट खेलो, ये खेलो, मतलब उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर दिए थे, और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नहीं बोल रहा था ना इंडिया से बोल रहा था यार, लेकिन भाई मुद्दा ही विराट कोहली को बना लिया था जो कि मुद्दा ही नहीं था। अच्छा अच्छी खासी रिजवान संन्यास लेने के लिए बोल, रिजवान जैसे बंदे फेल हो रहे ना उस पे भी इनकी चुप्पी बनी हुई है, इन पे भी कुछ नहीं बोलेंगे। अब भाई एक बंदा जानते हैं यार कि हमारे अब्बू हैं, अगर तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट में रह गए तो और तोड़ेंगे हमें, तो इस वजह से यार
शोएब अख्तर को जल्दबाजी थी कि यार कहीं ना कहीं विराट कोहली संन्यास ले ले और वर्ल्ड कप में हम बच जाए, लेकिन भाई ऐसा होने वाला नहीं है। विराट छोड़ेगा नहीं, पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ेगा। ये वाला वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान को, इंडिया का तो पता नहीं लेकिन पाकिस्तान को विराट कोहली बाहर करके मानेगा, ये तो बात है। तो यार देखते हैं, दो मैचेस बचे हैं, विराट कोहली क्या कर पाते हैं। और क्रिकेट तक की ऐसी वीडियो में जुड़े देखने के लिए जुड़े रहे हमसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। एहतराम और तमीज के दायरे में रह के कि आप जो नए लोग आए, मैं सिर्फ सेठी साहब का नाम ले रहा हूं कि सर कॉमन सेंस सबसे बड़ी चीज है। क्रिकेटर वो ना उठाएं जिसे लाइमलाइट में आना है, पब्लिक से डरना है। जो हकीकी, अगर जहीर भाई की आपने ट्वीट की है, जहीर भाई को अल्लाह सेहत दे, उन्हें उठा के सच पूछ लें। वो खेले पुराने एरा में क्रिकेट है, बट उनकी ब्रिलियंस और ग्रेटनेस पर किसी को कोई कभी भी शक नहीं रहा है। और इफ्तिखार अहमद जैसे खिलाड़ियों को ये वाकई आपको बचकानी बात लगेगी, ये 2-3 साल से खेल ही ऐसे रहे, इन्हें पता है कि हम अपने ये 10-12 ओवर T20 में इसलिए खेल जाते हैं कि किसी और की हेडलाइन ना बने, रन हमारे ही दिख रहे हो। अगर ये मुल्क के लिए खेलते तो हम 2021 का सेमीफाइनल हार ही नहीं सकते थे। वो छोड़ दें हसन का ड्रामे का कैच और वेट के 3 छक्के, इन्होंने अपने लिए बैटिंग की पावर प्ले के बाद भी और ये 30 गेंदों पे 27 रन बनाए इन्होंने। अच्छा, अगली ये कई मर्तबा हुआ है भाई, अभी तक हुआ ही है। बचाओ पाकिस्तान को, बच्चों को क्रिकेट गलत समझाई जा रही है, जनाजा निकल रहा है इस क्रिकेट का। नहीं, और फिर बच्चों को जिसके पीछे लगाया जा रहा है उसमें से जीत नहीं है, उसमें से सिर्फ हार है। हाँ। हार के पीछे लगा लो, ले लो तुम। अबे कुछ जीत के दिया है अभी तक? जी कुछ जीत के दिया है। जिसने जीत के दिया उसकी इज्जत नहीं करी तुमने, उसकी इज्जत ही नहीं करते तुम। हाँ। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें बर्दाश्त भी नहीं है टीम के अंदर। बिल्कुल ठीक। अब तुम्हें क्योंकि उसका कप्तानी में ना मारा इसलिए तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं है। ठीक हाँ। है, तो भाड़ में जाओ हमारे घंटे से भाई, हम तो हमेशा उस खिलाड़ी को पकड़ेंगे जो टीम को ऊपर करेगा। बिल्कुल, और खिलाड़ी दुनिया में कहीं का भी हो। ठीक है, और तो मैं ये कह रहा हूँ, खिलाड़ी तो क्रिकेट के एसेट है, खिलाड़ी किसी का एसेट हो ही नहीं सकता। खिलाड़ी को प्रेस करेंगे आप उसकी परफॉर्मेंस पे करेंगे, अब इस घंटे को प्रेस क्यों करेगा आप भी जिसमें से जीत निकल के आती ना हो। जी तो जहां जीत है वहां क्रिकेट है भाई, टीम हार भी क्रिकेट है। जैसे न्यूजीलैंड कल हारा, यार इंडिया स्ट्रगल कर रहा था कल, 200 रन नहीं बनते उनके। एक ही आदमी जो ना वर्ल्ड क्लास कहलाता है, ना आईसीसी रैंकिंग में, ना कोई स्टेट पैडर कहलाता है, उसने टीम को ऐसे संभाला कि जब उसके सामने हार्दिक आउट हुआ कंट्रोवर्शियल, तो उसको समझ आ गई कि अब मुझे 5-7 ओवर खेलना कैसे। उसने बॉले जाया नहीं की कि विकेटें गिर गई थी मैं क्या करता, वो डबल पे चला गया, गेंद में प्लेस करके डबल लेता रहा, फर्गेसन को मारा है उसने। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये एकेडमी ऑफ टुक टुक के बल्लेबाज हैं ये। ठीक है, इनका रोना भी वही है जो इनके अब्बू का रोना था, बाबा एक टुक टुक का, कि मैं जब आता तो 4 आउट होते थे। इनका भी यही बस है। सरफराज भी इंग्लैंड में 3 आउट होने पे आ रहा था और तेज खेलता था, देखो 2016 की वनडे सीरीज। एक ही गाना बज रहा है, जो बाबा एक टुक टुक बजा रहे थे वो यही बजा रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं जब आता हूं आउट हुए होते हैं। अबे तू ये ब्रेसवेल भी तो आया था, कयूमी लेजेंड भी गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को, गुमराह कर रहे हैं, सेटिंग बन गई है। कोई एक इनिंग तू ब्रेसवेल जैसी खेल लिया, मैं खड़े होके दोनों टांगों अपनी मफाद के लिए, अपनी जुगाड़ के लिए। और लौटा भी वही होगा क्योंकि मैं कप्तान हूँ, तो मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए कोई मेरे किसी लौंडे पे उंगली नहीं उठाएगा। तू मेरा पक्का दोस्त है, शबो खून मारेंगे यार। तुम्हारे पास से अगर जीत नहीं है तो फिर लानत है तुम्हारे पे। एक दो मैं और एक और सच बताऊं, अब कुछ पार्टियां इतनी मक्कार आ गई है मार्केट में, सोफिस्टिकेटेड बनके। ये बेसिकली मैं किसी पे हम इल्जाम लगाने या नहीं बैठते, हमें ना पता है, लेकिन शायद इनका कोई जाती मफाद जरूर जुड़ा होता है। क्योंकि अगर ये सिर्फ पाकिस्तानी है, चले मैं ज्यादा बात नहीं करता कि क्रिकेट लवर कौन है, अगर ये पाकिस्तानी भी बनके ट्वीट्स करते हैं तो भाई ये सच लिखें। आपको पता है ये लोगों का दिमाग क्या बनाते हैं। इफ्तिखार इज अ वेरी डेंजरस हिटर, अब सुनना, उसको हिटिंग तक महदूद बताते हैं इसलिए कि वो कहीं पता ना चले वो कंप्लीट बैट्समैन है। अबे पूरा खिलाड़ी है वो, पूरा। अबे घंटे की पैदाइश से पहले से मार रहा है वो डोमेस्टिक में रन। जी इतना पुराना है वो, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो पिछले बोर्ड में थे या इस बोर्ड में, और उन्होंने चाचू को वनडे क्रिकेट का परमानेंट मेंबर नहीं बनाया। चाचू पैदाइशी अंडर 19 खेल रहे हैं वो, पैदाइशी।
मतलब उससे बराबरी करोगे अबे बल्ले के साइज के आओ तुम उसके। वो 20 रन का प्लेयर नहीं है आसिफ टुल्ले की तरह। वाहिद खिलाड़ी है जिसको फुटबॉल नजर आती है पूरी टीम में। यार मैं ये कह रहा हूँ जब ये T20 के लिए सिलेक्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया में, मिसबाह उलग 3-4 अहम मुद्दों के ऊपर फायदे बखारी उसके कोच से बॉलिंग कोच, यहाँ पर इसको लेके गए T20 के लिए, T20 में अकेला ये 50 बार तरह खड़ा हुआ। और हम जानते थे कि वहां पर इसको टेस्ट मैच में भी, क्योंकि मिसबाह का असल पोका है, मिसबाह जानता है कि उसके अंदर दोनों एबिलिटी है, बैक फुट पे भी आके मारता है और आगे और चारों तरफ मारने की अहलियत रखता है। आपने उसको गीदड़ बना के रखा, वो एक ही भाई शेर था टीम के अंदर। जब उसको मौका मिला उसने अपनी रेंज ऑफ स्ट्रोक भी बताया और ये भी बताया कि